Hello students, welcome to getlectures.com. Today we will see the different type of load. Previous lectures में हमने देखे थे type of loads, जिसमें सबसे पहला load हमारा क्या था? Load, सबसे पहले हमने क्या देखा था? Load are divided into three parts, based on with respect to time, based on the direction, on the cross section of given member, and third one is based on the distribution of loads. Okay? हमने क्या क्या चीजें देखी थी जो हमने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम द लोड बेस्ड ऑन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनेमिक स्टैटिक लोड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड सेकेंड में हमने देखा था डायनेमिक लोड्स को भी हमने दो टाइप्स देखे थे फर्स्ट टाइप इज इम्पैक्ट लोडिंग तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इम्पैक्ट लोडिंग के बारे में टोटल स्टडी किया उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे कि किस तरह से हम इम्पैक्ट लोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अप्रोच अपना क्या होना चाहिए उसके बाद जो डायनेमिक लोड का जो सेकेंड टाइप होता है फटिग लोडिंग द वर्ड फटिग लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन डिजाइन डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिकॉज आप जब सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ते हो एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट तो उसमें ये फटिग लोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि फटिग लोडिंग क्या होती है व्हाट इज फटिग लोडिंग उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं देखते हैं व्हाट इज फटिग लोडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फटिग लोडिंग द डेफिनेशन ऑफ फटिग लोडिंग इज इट इज द लोड हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस With respect to time, it means कि magnitude and direction, जिस load का magnitude and direction with respect to time, केवल magnitude या magnitude और direction दोनों समय के साथ change हो, magnitude and direction with respect to time, okay, and the same load is repeatedly applied with respect to टाइम मतलब कि कैसे हम देखेंगे कि फटिग लोडिंग क्या होती है जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी एक वायर आप लोग घर में एक वायर यूज करते हो वायर को अगर आप केवल स्टैटिक लोडिंग कुछ कंडीशंस हम देखेंगे कि स्टैटिक लोडिंग क्या होती है फटिग लोडिंग क्या होती है तो उसके बारे में जानते हैं कोई भी मेंबर अगर सपोज करो कोई शाफ्ट है हमने लास्ट में एक एग्जांपल देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम देख रहे थे कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट डिजाइन ऑफ बियरिंग तो शाफ्ट पर अगर हम देखते हैं तो शाफ्ट की डिजाइनिंग करने के लिए केवल पुली का वेट हम कंसिडर करते हैं वेट ऑफ पुली एज अ लोड एंड जब हम बियरिंग का डिजाइन करते हैं तो शाफ्ट एंड पुली दोनों के वेट को कंसिडर करते हैं और बियरिंग के वेट को हम नेग्लेक्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कोई वायर है सपोज कीजिए दिस इज अ वायर इस वायर को अगर मुझे तोड़ना है वायर को तोड़ना है तो आप लोग घर में सिंपल एक यूज करते हो अगर सपोज कर लो इस वायर पर मैं एक लोड लगाता हूं दिस इज पी लोड इधर से और दिस इज पी लोड इसको हमें तोड़ना है तो क्या हम स्टैटिक लोडिंग दिस इज कॉल्ड स्टैटिक लोड ठीक है स्टैटिक लोड लगाएंगे टेंसाइल लोड हमने लगाया वायर को खींचेंगे ये बहुत ही एक डिफिकल्ट होता है वायर को ब्रेक करना लेकिन अगर जब हम अपने हाथों से जब तोड़ते हैं तो वायर को हम क्या करते हैं कभी वायर को बेंड करेंगे वायर को जब हम बेंड करते हैं तो कुछ इस तरह से एक बार बेंड करते हैं और दूसरा बेंड इस तरह से करते हैं तो ऊपर नीचे जब हम बेंडिंग करते हैं स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जब इस वायर को हम अप साइड में सैगिंग बेंडिंग दे रहे हैं जब हम सैगिंग बेंडिंग करते हैं तो अपर फाइबर ये जो अपर फाइबर है इस कंडीशन में दिस इज कॉल्ड अ सैगिंग कंडीशन आगे देखेंगे हम लोग जब हम बेंडिंग स्टार्ट करेंगे तो वहां पर सैगिंग और हॉगिंग के कंडीशन को देखेंगे तो कोई भी मेंबर है उस पर अपर फाइबर होगा और लोअर फाइबर होगा टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर तो जब सैगिंग करते हैं तो टॉप फाइबर इज अंडर कंप्रेशन टॉप फाइबर अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम फाइबर is under tension. जब हम देखते हैं कि टॉप फाइबर आपका कंप्रेशन में हुआ जब हमने सैगिंग किया दिस इज द कंडीशन ऑफ सैगिंग सैगिंग के कंडीशन में
सैगिंग के कंडीशन में टॉप फाइबर आपका कंप्रेशन में, ये फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन इज सैगिंग कंडीशन, इसका अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सैगिंग के कंडीशन में क्या हो रहा है, टॉप फाइबर इज अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम फाइबर इज अंडर टेंशन। जब हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करते हैं, उसके बाद हम जब अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेंगे तो ये जो टॉप फाइबर था सैगिंग में, ये टॉप फाइबर जो है अब इस कंडीशन में क्या हो गया, दिस इज अंडर टेंशन। अब ये टेंशन में आ गया, दिस इज कंडीशन ऑफ हॉगिंग एंड बॉटम फाइबर इज अंडर कंप्रेशन। इट मींस अगर हमने लोड सेम रखा दिस इज कंडीशन ऑफ हॉगिंग। हॉगिंग के कंडीशन में क्या हो रहा है, टॉप फाइबर इज अंडर टेंशन एंड बॉटम फाइबर इज अंडर कंप्रेशन। और सेम जब सैगिंग के कंडीशन में आप देखें तो टॉप फाइबर इज अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम फाइबर इज अंडर टेंशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन जब हो रहा है यानी कि लोड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दोनों कंडीशन में अगर सैगिंग और हॉगिंग के कंडीशन का अगर हम कंपेयर करते हैं तो सैगिंग में जो टॉप फाइबर कंप्रेसिव लोड उस पर एक्ट कर रही है और बॉटम फाइबर पर टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है टॉप फाइबर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और बॉटम फाइबर पे टेंसाइल स्ट्रेस। उसी तरह से जब हॉगिंग के कंडीशन में आते हैं जस्ट रिवर्स, हमने लोड को मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा और लोड का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि बॉटम फाइबर इज अंडर कंप्रेशन एंड टॉप फाइबर इज अंडर टेंशन। दिस इज कॉल्ड द फटिग लोडिंग। फटिग लोडिंग में हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर अगर एक लाइन अगर आप देखें तो यहां पर क्या चीजें हैं, अगर सिंपल देखा जाए तो यहां पर इट इज द लोड हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, केवल डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। सैगिंग और हॉगिंग के कंडीशन में अगर लोड को भी वेरी कर दे तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजेस। अगर लोड को भी वेरिएबल रखे तो ये कंडीशन होती है। अगर आप एक साफ्ट लेते हो, साफ्ट पे पुली माउंटेड है तो पुली का वेट डब्ल्यू लग रहा है डाउनवर्ड, तो साफ्ट इज अंडर बेंडिंग कंडीशन। तो साफ्ट का जो अपर फाइबर है उस कंडीशन में, अगर साफ्ट स्टेटिक है तो उसके कंडीशन में साफ्ट का अपर फाइबर किसमें, कंप्रेशन में, लोड डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, पुली का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। जैसे ही साफ्ट मूव करना स्टार्ट करता है उसका अपर फाइबर मूव करके डाउनवर्ड आएगा, और जब वो डाउनवर्ड आएगा तो वो किसमें हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा। अगर आप देखो तो उस कंडीशन में आपको दैट इज फटिग लोडिंग कंडीशन। और फटिग लोडिंग में अगर कोई भी मेंबर है, अगर वो फटिग लोडिंग कंडीशन में है तो उसका फेलियर स्ट्रेस जो होता है उसकी एनालिसिस हम टोटल एनालिसिस कहां पे करते हैं, मशीन डिजाइन में। जब हम डिजाइन अगेंस्ट फटिग लोडिंग देखते हैं वहां पर आपको एक नया वर्ड मिलता है, एंडुरेंस लिमिट, एंडुरेंस स्ट्रेस की वहां पर हम बात करेंगे। ओके, देखते हैं फटिग लोडिंग कितने टाइप्स की होती है, इसलिए इसके भी कुछ फर्दर टाइप्स होंगे, बिकॉज की केवल मैग्नीट्यूड या केवल डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है तो ये कौन कौन से स्ट्रेस कहे जाते हैं। ओके, लेट अस सी टाइप्स ऑफ फटिग लोडिंग। देयर आर सम डायग्राम्स हियर, दिस इज अ टाइप ऑफ फटिग लोडिंग। दिस इज टाइप्स ऑफ फटिग लोडिंग। फर्स्ट वन, अगर फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करता हूं, अगर ये कोई मेंबर है, कोई बार है, प्रिज्मेटिक बार, इसको वन साइड से फिक्स कर दिया और यहां पर केवल हमने लोड लगाया पी, ये कंडीशन कौन सा है, दिस इज स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, दिस इज डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक लोड। अगर मैं इस मेंबर की बात करूं, सेकेंड मेंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इस मेंबर को भी इधर से फिक्स किया और यहां पर मैं लोड जो लगा रहा हूं प्लस माइनस पी, यानी कि मैग्नीट्यूड को मैं चेंज कर रहा हूं, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और केवल लोड के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं। पॉजिटिव मींस टेंसाइल, नेगेटिव मींस कंप्रेसिव। तो लोड के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है कि आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली रिवर्स्ड फटिग लोड्स। इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिवर्स फटिग लोड्स में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, ओनली डायरेक्शन ऑफ द लोड चेंजेज।
इट मींस मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। थर्ड कंडीशन में आते हैं, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो थर्ड कंडीशन में अगर मैं मेंबर को क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टैटिक लोड देखा, देन आफ्टर हमने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, केवल डायरेक्शन चेंज किया। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर इस मेंबर पर मैं लोड को वेरी कर रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड को वेरी कर रहा हूं, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूं, पी टू अगर सपोज कर लो पी से पी बाई टू, अगर इसके लोड का क्या हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड चेंजेस फ्रॉम पी टू पी बाई टू, ओके, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग फटिग लोड, फ्लक्चुएटिंग फटिग लोड, ओके। इसमें क्या हो रहा है, वनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, वनली मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड चेंजेस, ओके, तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग फटिग लोड। फ्लक्चुएटिंग फटिग लोड में क्या हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है। अब दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक बार हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, एक बार डायरेक्शन चेंज किया, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं। यह भी तो कंडीशन हो सकती है फ्लक्चुएटिंग लोडेड, बिकॉज लोड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और लोड जब वेक्टर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करोगे। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो लोड वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है फिर भी लोड वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल लोड्स के कंडीशन को हम कहते हैं फटिग लोडिंग। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने जो लोड लगाया, दिस लोड इज पी टू माइनस पी बाई टू, हमने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड वेरी फ्रॉम पी टू पी बाई टू, एंड डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम प्लस पी टू माइनस पी बाई टू, टेंसाइल में पी लोड है और कंप्रेशन में पी बाई टू है, तो यहां पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग फटिग लोड्स, अल्टरनेटिंग फटिग लोड्स, ओके। इसमें क्या हो रहा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लोड चेंजेस, ओके, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग फटिग लोड। अगर एक एग्जांपल की बात की जाए, बेल्ट पुली के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो बेल्ट का वन साइड ऑफ बेल्ट इज अंडर टेंशन एंड सेकेंड साइड ऑफ बेल्ट इज अंडर कंप्रेशन, तो ये कंडीशंस हम देखेंगे मशीन डिजाइन में, जब हम डिजाइन ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे, मशीन एलिमेंट्स और मैकेनिकल एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर इस लोड का जब हम उसमें एक चैप्टर पढ़ते हैं, दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन डिजाइन। और ये लोड्स को मैं यहां पर इसलिए एनालाइज कर रहा हूं बिकॉज मैं अभी टाइप्स ऑफ लोड की बातें कर रहा है, इसकी कंप्लीट एनालिसिस हम लोग देखेंगे मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में, जहां पर टोटल डिजाइनिंग अगेंस्ट फटिग लोडिंग के कंडीशन को जब एनालाइज करेंगे, तो वहां पर टोटल चीजें देखेंगे, और कोई भी कंपोनेंट होता है मशीन का, कोई भी कंपोनेंट होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अंडर फटिग लोडिंग कंडीशन होते हैं, कुछ कंपोनेंट स्टैटिक लोड्स में होते हैं, तो दिस लोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ द This is complete analysis of first type of load. मतलब based on with respect to time, there are two type of loads, static and dynamic. Static is further divided into two parts. First one is static load के दो type हुए, dead load and gradually applied load. दोनों के conditions को हमने analyze किया. With respect to time, dead load का magnitude change नहीं होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के भी कंडीशन को हमने देखा, डायनेमिक लोड्स में इंपैक्ट लोडिंग को भी देखा, फटिग लोड्स को भी देखा, और इसकी फटिग लोड्स की कंप्लीट एनालिसिस हम मशीन डिजाइन में करेंगे, ओके। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ लोड इज व्हाट, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड ऑन द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टाइप ऑफ लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ load, okay, there is some diagrams, okay, this is based on
the direction of load on the cross section of the member. अब मैं यहां पर जो एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, बिकॉज गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इस लोड की एनालिसिस पर पूछे जा चुके हैं, और अगर आप इस लोड की एनालिसिस एक बार इसको आप विजुअलाइज कर लेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकली अगर आप इसे फील करने लग जाएंगे इस लोड को, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट लगेगा. दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लोड. अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर. अगर सपोज करते हैं कोई एक क्यूबॉइड, एक कोई मेंबर है, मेंबर का क्रॉस सेक्शन क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, नेमिंग ए बी सी डी, दिस इज द गिवन क्रॉस सेक्शन, ए बी सी डी इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन मेंबर. अगर मैं कुछ एक्सिस की बात अगर हम करते हैं, तो देयर आर सम एक्सिस, अगर एक्सिस की बात करते हैं, तो अगर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर कितने एक्सिस होंगे, दिस इज एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स, वन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस, दिस इज वाई वाई, एंड अ लोड विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सेक्शन, थर्ड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस गिवन सेक्शन, टू एक्सिस xx axis and yy axis is parallel to the plane of cross section. These axes are parallel to the plane of cross section of the given member. And last axis, z axis is perpendicular to the plane of cross section. This is z. Okay. This axis, xx, xx, yy, zz, these three axes are called centroidal axis. अब देखते हैं, बात करते हैं, दो axes अपने क्या है, parallel to the cross section, plane of cross section, xx and yy axis are parallel to the given cross section, xx and yy, इनका direction क्या है, parallel to the plane of cross section, and zz axis is perpendicular to the plane of cross section. These three axes, तीन एक्सिस की बात हम कर रहे हैं, एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड जेड. अब एक एक्सिस आता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, कुछ नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर्स ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन. दिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन. सपोज कर लो, दिस इज ऑल्सो पी क्यू आर एस, this is a cross section and this is UVWX is also a cross section. The center of this cross section is approximately here, and the center of the cross section of UVWX is like here. Okay, a line passes through the center of all cross sections. This red line is called the longitudinal axis, and coincidentally the zz axis is also longitudinal axis. Polar axis, longitudinal axis and zz axis, ये तीनों अगर आप देखो तो polar axis क्या है, जो center से pass हो रहा है. Okay, एक एक axis की analysis करेंगे हम लोग धीरे धीरे. अब अगर कुछ और मैं देना चाहूं तो xx axis, yy एंड जेड जेड एक्सिस, ये तीनों हमने बताया सेंट्रोइडल एक्सिस है. और ये क्या है, अगर आप देखो तो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर
each other, mutually perpendicular to each other. सबसे पहले इन एक्सिस को समझना जरूरी है, because कि अगर आप देखो तो xx एक्सिस कैसा एक्सिस है, अगर xx की मैं बात करूं तो this is horizontal centroidal axis, horizontal centroidal centroidal axis, yy is vertical centroidal, vertical centroidal axis, okay, vertical centroidal axis, x axis, horizontal centroidal axis, and zz ko aap kya keh sakte ho, perpendicular to the plane of cross section. This is centroidal axis which is perpendicular to the plane of cross section, and xx and yy axis is also centroidal axis which is parallel to the plane of cross section. Okay, तो यहां पर आपने पहले एक्सिस को देखा कि एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस एंड जेड जेड एक्सिस कौन सी एक्सिस होती हैं, दिस ऑल आर सेंट्रोइडल एक्सिस एंड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, टू एक्सिस आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एंड वन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन. ओके, नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंट्रोइड्स ऑफ every cross section and it coincides with polar axis of the cross section. पहले भी हमने बोला कि longitudinal axis क्या होती है. अगर suppose कर लो this is P Q R S, this is a cross section, given cross section U V W X Y, this is also a cross section, there are infinite number of cross sections present in this member. Okay, तो total cross sections, अगर आप suppose करो इसका centroid यहाँ है, इस cross section का centroid यहाँ है, तो इनको जो total एक imaginary line जो इनके centers को center joining the centroids of every cross section is called the longitudinal axis. Longitudinal axis is an imaginary line. Okay, और ये coincide होती है, this is coincide with polar axis of the क्रॉस सेक्शन. तो हम ये भी कह सकते हैं जेड एक्सिस इज ऑल्सो पोलर एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन. नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ लोड्स. इसमें अब लोड देखते हैं, सपोज करते हैं कोई भी लोड, अगर सपोज कर लिया हमने अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस दिस इज पी वन लोड, वन लोड इज अलोंग द जेड एक्सिस, सेकेंड लोड एक्स एक्स लोड इज अलोंग द दिस इज पी टू, पी टू लोड इज along the x-axis, and a load this is P3 along the y-axis, P1, P2, P3. There are three loads, one load is along the z-axis or longitudinal axis or polar axis, one load P2 is along the x-axis, and P3 is along the y-axis. Here the P1 load kaisa hai apna, P1 load ka direction kaisa hai, क्रॉस सेक्शन पर डायरेक्शन कैसा है, P1 लोड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल और एक्सियल, एक्सियल टेंसाइल लोड, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस लोड इज आउट टू द plane of cross section, that's why this is tensile. अगर ये inward होता है, P1 अगर inward होता है, cross section के तरफ होता है इसका direction, that is normal or axial compressive load. Then P2, P2 is what? P2 is transverse shear load. Because अगर आप देखो तो जो load perpendicular होती है, जो load perpendicular to the cross section होती है, that is called normal or axial tensile load. Okay. और जो लोड क्रॉस सेक्शन पर पैरेलल होती है, डेट लोड इज कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर लोड. ओके, तो यहां पर अगर एक्स एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं, तो एक्स एक्स एक्सिस इज होरिजोंटल सेंट्रोइडल एक्सिस, और जो लोड होरिजोंटल सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, डेट लोड इज कॉल्ड होरिजोंटल ट्रांसवर्स शियर लोड. तो पी टू इज होरिजोंटल, होरिजोंटल ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स शियर लोड. ओके, और ट्रांसवर्स शियर लोड को मैं क्या लिख सकता हूं, टी एस एल, ट्रांसवर्स शियर लोड. पी थ्री इज वॉट, पी थ्री इज अलोंग द वाई एक्सिस, एंड वाई वाई एक्सिस इज, वाई वाई एक्सिस इज वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, एंड दिस इज पैरेलल टू द गिवन क्रॉस सेक्शन, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ गिवन क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज, दिस इज वर्टिकल,
vertical, transverse shear load. ओके, इसको VTSL भी हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड HTSL, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड. तो हियर हमने एक चीज देखा कि नॉर्मल लोड क्या होता है और शियर लोड क्या होती है. नॉर्मल लोड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन क्रॉस सेक्शन एंड शियर लोड इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ गिवन क्रॉस सेक्शन होती है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस. इट मींस आप नेमिंग चेंज कर सकते हैं, किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड रख सकते हैं, लेकिन जो लोड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर आप कहो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो लोड लगता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल और एक्सियल लोड, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लोड विच इज अलोंग द एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस. फ्रॉम दिस फिगर एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस, दीज आर सेंट्रोइडल एक्सिस एंड दीज आर डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिस आर पैरेलल टू द गिवन क्रॉस सेक्शन. ओके, एंड दैट लोड इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स शियर लोड. वन एक्सिस इज horizontal to the given cross section and one axis is vertical to the given cross section. That's why the naming is different. The P2 is horizontal transverse shear load and P3 is vertical transverse shear load. A word eccentricity. A word eccentricity comes here. Okay. Now we will see the type of eccentric loading. What is eccentricity? Eccentricity क्या होती है? These three loads, P1, P2 और P3 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये तीनों load सेंटर पर क्या हो रही है? कोइंसाइड हो रही है, तीनों मीट कर रही है. ओके, तीनों सेंटर पे मीट कर रही है और तीनों अलोंग द गिवन सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग है. ओके, तो अगर मैं इन लोड्स को गिवन एक्सिस से थोड़ा सा सेंटर से, अगर ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज सेंटर, अगर सेंटर से कुछ हटके अगर लोड लगता है तो जितना हटता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी. ओके, देखते हैं व्हाट इज एसेंट्रिसिटी. First of all, the definition of eccentricity. Eccentricity denoted by small e, perpendicular distance between line of action of eccentric load and the longitudinal axis. Line of action of load and एक्शन ऑफ एसेंट्रिक लोड एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर मैं क्यों लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करता हूं, अगर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अवे है और पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर आप ये भी कह सकते हो केवल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात यहां पर नहीं हो रही है, आप जिस एक्सिस की बात आप कर रहे हो, कोई भी सेंट्रोइडल एक्सिस, अगर उसके पैरेलल में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, उसके पैरेलल है, तो उस सेंट्रोइडल एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन उस फोर्स का कितना डिस्टेंस है, उनके बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी. तो हियर मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. आप ये भी कह सकते हो कि गिवन सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल है तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जिस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल में लाइन ऑफ एक्शन है उस सेंट्रोइडल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी. ओके, यहां पर अब देखते हैं कुछ लोड्स और हम एनालाइज करते हैं कि एसेंट्रिक लोड्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है. इफ अगर मैं सपोज करूं एक लोड, दिस इज पी फोर लोड हमने लगाया पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द P4 लोड इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. इट मींस द पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन of force and the longitudinal axis is E. E is called the eccentricity. P4 load. अगर ऐसे ही बात मैं करूं कि YY axis अपना, this is also a centroidal axis and a load P5 is perpendicular to the YY axis.
parallel to the YY axis, and line of action of force is parallel to the YY axis, and this is called the eccentricity. अब अगर XX axis की मैं बात करूं, तो XX axis में अगर आप देखो, तो ये load, अगर आप suppose कर लो, this is P6, this load is P6, then this distance is called eccentricity. मतलब कि line of action of load, line of action, अगर आप P4 में भी देखो, तो line of action of load is this line, and this line, ये line, अपने longitudinal axis, जिस centroidal axis, किस centroidal axis से parallel है, तो this P4 force is parallel to the z axis, तो इनके बीच का जो perpendicular distance होगा, that is called eccentricity. अगर yy axis की बात करो, P5 force की बात करते हैं, तो P5 force का line of action जो है, वो किस axis के parallel है, that is parallel to the yy axis, and the distance, the perpendicular distance between both axis is called eccentricity. And here, the horizontal centroidal axis xx, the line of action of force P6 is parallel to the xx axis, and the perpendicular distance between both is called eccentricity. That's clear. Okay, now here see, P4, P5 and P6 forces are called the eccentric load. Eccentric load. अब इनके type क्या हो सकते हैं? P4 load अपना क्या है? This is parallel to the longitudinal axis. Parallel to the longitudinal axis, but away from the longitudinal axis. This is called the eccentric axial load or eccentric normal load. P5 is parallel to the YY axis. YY axis is what? This is a centroidal axis, vertical centroidal axis. This is parallel to the plane of cross section. That's why the P5 force is also parallel to the given cross section. Okay. So P5 force apna kya hua? Eccentric vertical transverse shear load. And P6 is parallel to the XX axis, and XX axis is horizontal centroidal axis. Horizontal centroidal axis, and XX axis is parallel to the plane of cross section. The direction of XX axis is parallel to the plane of cross section. That's why the line of action of P6 force is parallel to the XX axis. That's why the P6 force is eccentric horizontal transverse shear load. Now, the naming here, the P4. P4 force is eccentric axial tensile load. This is called EATL. अगर direction inward होता, that is called eccentric axial compressive load. P5 is parallel to the YY axis. P5 is parallel to the YY axis. This is called the vertical eccentric transverse shear load. P6 is horizontal eccentric TSL. It means this is called VETSL, vertical eccentric transverse shear load, and this is called horizontal eccentric transverse shear load. Somewhere, अगर कहीं कहीं आप लोग कुछ चीजें देखेंगे, EVTSL, eccentric vertical transverse shear load, or this is also called eccentric vertical transverse shear load. This is called eccentric horizontal transverse shear load. तो नाम में कोई ये नहीं है, चीजों को समझना सबसे बड़ी बात है कि eccentric loading क्या होती है और normal, सबसे पहली बात कि normal load और shear load क्या होता है, और फिर हम समझेंगे एसेंट्रिक लोड क्या होती है. सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखा. ओके,